हेलो गाइस, आज की इस एक वीडियो में आपको पूरा यूट्यूब का कोर्स मिलने वाला है। जी हाँ गाइस, इस एक ही वीडियो को देख के आप पूरी यूट्यूब सीख सकते हो। यूट्यूब पे कैसे काम करना है, यूट्यूब पे कैसे चैनल बनाना है, कैसे वीडियो अपलोड करनी है, कैसे अपने सब्सक्राइबर को शुरू में हाइड करना है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है यूट्यूब की, वो सभी काम मैं आपको एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। पूरी यूट्यूब पे आपको इस जैसी वीडियो नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपको एक वीडियो के अंदर पूरा YouTube का कोर्स नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो वो ओल्ड होगा। जो न्यू वर्जन है, यानी कि जो अब 2020 में YouTube पे काम लोग करते हैं, कैसे करते हैं, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू कर ले। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, चैनल पे पहली दफ़ा आए हो, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट ऐसी वीडियो आपको मिल सके। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, जैसे आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कोई पोस्ट आपने करनी हो, कोई वीडियो अपलोड करनी हो या पिक्चर अपलोड करनी हो, तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर। उसी तरह से आपको यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड करने के लिए एक अदद अकाउंट बनाना पड़ता है, चैनल बनाना पड़ता है। और चैनल बनाने से पहले आपको ईमेल की ज़रूरत होती है। ईमेल अकाउंट यानी गूगल का अकाउंट आपको बनाना पड़ता है। वो कैसे बनाना है, सबसे पहले बात कर लेते हैं गूगल अकाउंट पे कैसे वो बनाना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने चैनल क्रिएट करना है उस गूगल अकाउंट को यूज़ करते हुए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप YouTube पे वीडियो अपलोड करोगे अपने मोबाइल फोन को यूज करते हुए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप किसी भी वीडियो को डिलीट कर सकते हो YouTube से। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी YouTube वीडियो का जो थंबनेल होता है, जो सामने आपकी वीडियो आप अपलोड करते हो, सामने आपको जो डिस्प्ले नजर आता है वो आपकी वीडियो का थंबनेल होता है, वो कैसे आपने एडिट करना है, बनाना है अपने मोबाइल फोन के अंदर। तो उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने YouTube के सब्सक्राइबर्स को हाइड करना है। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपने कैसे अपना Gmail का Google का अकाउंट बनाना है चैनल बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आ जाना है क्रोम ब्राउजर पे। यहाँ आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ आने के बाद आपने यहाँ टाइप करना है गूगल। यहाँ गूगल आपने टाइप करना है। सबसे ऊपर आपको यहाँ अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आपने अकाउंट के ऑप्शन पर प्रेस करना है। यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ आपने मैनेज अकाउंट्स ऑन दिस डिवाइस पर प्रेस करना है। यहाँ ऐड अकाउंट का आपको ऑप्शन मिलेगा, आपने ऐड अकाउंट पर प्रेस करना है। ऐड अकाउंट पे टैप करते ही आपके सामने इस तरह से एक डिस्प्ले आएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद आपने क्रिएट अकाउंट पर प्रेस करना है। क्रिएट अकाउंट पर प्रेस करते ही आपने यहाँ मैस करना है फॉर माई सेल्फ, यहाँ आपने प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद यहाँ आपने अपने अकाउंट का नेम देना है, जो आप अपने YouTube चैनल का नेम रखना चाहते हैं। आप क्या नेम रखना चाहते हैं आपने यहाँ उसे ऐड कर देना है, जैसा कि मैं रखना चाहता हूँ AB टैग। यहाँ मैं इसे टाइप करता हूँ, देन इसे नेक्स्ट पे प्रेस करता हूँ। आपने यहाँ अपने चैनल का नाम रख लेना है जो आप रखना चाहते हैं। यहाँ आपने क्या करना है, डेट डे कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, मंथ सेलेक्ट कर लेना है कोई भी, देन ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ जेंडर अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, देन नेक्स्ट पे प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको कुछ सजेशन मिलते हैं, आपने किसी भी एक को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, देन आपने नेक्स्ट पे प्रेस कर देना है। देन यहाँ आपने अपने अकाउंट का कोई भी एक पासवर्ड जो है रख लेना है, जो आप रखना चाहते हो। यहाँ नीचे आपने सेम पासवर्ड जो है टाइप करके उसे कन्फर्म कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर आपने पासवर्ड सेट करने के बाद क्या करना है, अगर आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं तो कर ले, नहीं करना चाहते तब भी कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आप अपना मोबाइल नंबर ऐड कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। डन गाइस, आपने यहाँ पे नीचे से अगर आप नंबर ऐड नहीं करना चाहते स्किप पे प्रेस करना है। आपने स्किप पे प्रेस करने के बाद आपने नेक्स्ट पे प्रेस कर देना है। देन यहाँ स्क्रॉल डाउन करना है, अगेन आई एग्री पे प्रेस कर देना है। यहाँ आपका जो है ईमेल जीमेल अकाउंट बन चुका है। तो गाइस आपने देख ही लिया होगा कैसे आपने गूगल का अकाउंट बनाना है अपने मोबाइल फोन को यूज करते हुए, ताकि आप यूट्यूब पे चैनल बना सको। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने यूट्यूब पे चैनल कैसे क्रिएट करना है, वो भी देख लेते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब आपने आ जाना है अपनी यूट्यूब की ऐप पे, जो आपके एंड्रॉयड मोबाइल में ऐड है, या एंड्रॉयड या आईफोन, जहाँ भी आपने ऐड कर रखी है। आपने आ जाना है यूट्यूब की ऐप पे। यहाँ आने के बाद सबसे ऊपर सर्च ऑप्शन के साथ आपको चैनल का लिंक मिलता है, आपने इसे इस पर प्रेस करना है। यहाँ आपको जो है, यहाँ आपको चैनल नेम के साथ एक ड्रॉप डाउन आइकन मिलता है, आपने इस पर प्रेस करना है। यहाँ आपने अपने न्यू ईमेल अकाउंट को
प्रेस कर देना है जो आपने अभी न्यू बनाया है। ये देखिए लास्ट पे मैंने न्यू अकाउंट बनाया है, यहाँ मैं इस पर प्रेस करता हूँ, आपने भी इस पर प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद ये देखिएगा आपका यूट्यूब का चैनल बन चुका है। अब आपने इसका सेटअप कैसे करना है, यहाँ गाइज अगर आप यहाँ पे आते हैं तो योर चैनल पे आपने प्रेस करना है। योर चैनल पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपने अपने अकाउंट का जो नेम रखना है, जो नेम सेट करना है, आपने सेट करके यहाँ नीचे आपको क्रिएट चैनल का ऑप्शन मिलेगा, आपने क्रिएट चैनल पे प्रेस कर देना है। तो ये देखिएगा क्रिएट चैनल पे प्रेस करते ही आपका यहाँ पे यूट्यूब का चैनल बन चुका है। अब आपने इस चैनल का सेटअप कैसे करना है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है, यहाँ एबी टैग चैनल नेम के साथ आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। ये देखिए यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, सेटिंग के ऑप्शन पे आपने प्रेस कर देना है। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे आपको एडिटिंग का ऑप्शन मिल चुका है, ये पेन के ऑप्शन आपको मिल चुके हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, नेम की जगह अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पेन के ऑप्शन पर प्रेस करने के बाद यहाँ पर नेम आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर अपने चैनल की कोई बायो वगैरह ऐड करनी है, डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, तो यहाँ आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख के जो है अपने चैनल की जिसके रिलेटेड आपका चैनल है यहाँ पे आपने उसे ऐड कर लेना है। ओके गाइज यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है, यहाँ तीनों के तीनों प्राइवेसी जो है आपने लो पे प्रेस कर देना है। लो पे प्रेस करने के बाद आपकी सेटिंग्स यहाँ पे सेव हो चुकी है। उसके बाद आपने मज़ीद अपने चैनल का सेटअप कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने आ जाना है क्रोम पे, क्रोम पे आने के बाद या फिर जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो उस पर आने के बाद आपने क्या करना है, उस पर आने के बाद यहाँ पे आपने न्यू टैब में ओपन करनी है। सबसे ऊपर आपको यहाँ सर्च का जो लिंक मिलता है, ये देखिएगा यहाँ पे आपको एक सर्च का लिंक मिलता है, ये देखिए यहाँ पे जो आप सबसे ऊपर आपको मिलेगा, यहाँ आपने टाइप करना है youtube.com। youtube.com टाइप करते ही आपके सामने यूट्यूब ओपन हो चुकी है। यहाँ से अब आपने सर्च के साथ जो चैनल है यहाँ आपने प्रेस करना है, यहाँ अगेन स्क्रॉल डाउन पे प्रेस करना है और यहाँ अपना न्यू चैनल को ऐड कर लेना है, जो आपने चैनल बनाया है उसे आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अब आपने क्या करना है, आप इसका सेटअप कैसे करना है, सबसे ऊपर आपको थ्री डॉट मिल रहे हैं, इस पर आपने प्रेस करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, डेस्कटॉप साइड पर यहाँ पर अलो कर देना है। अलो करने के बाद इस तरह से आपके सामने एक डिस्प्ले आ जाएगा। तो ये देखिएगा इस तरह से आपके सामने एक डिस्प्ले आ गया है, आपने क्या करना है इसे जूम कर लेना है थोड़ा सा। तो गाइस यहाँ से आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा जूम कर लेना है और यहाँ चैनल के आइकन पे आपने प्रेस करना है। चैनल के आइकन पे प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे योर चैनल के ऑप्शन पर आपने प्रेस कर लेना है। योर चैनल पर आप जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ देखिएगा आपको कस्टमाइज का ऑप्शन मिलता है, कस्टमाइज चैनल, कस्टमाइज चैनल पे आपने प्रेस करना है। जैसे ही आप कस्टमाइज चैनल पे प्रेस करेंगे यहाँ देखिएगा आपको चैनल का जो है लोगो वगैरह और इसकी बैकग्राउंड आपको मिल चुकी है। यहाँ पे आपने इसकी प्रोफाइल ऐड कर लेनी है, जहाँ पे ए बी लिखा है यहाँ पे आपने इसकी प्रोफाइल यहाँ प्रेस करते हैं तो एक पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आपने अपने चैनल की पिक्चर अपलोड कर लेनी है। उसके बाद आपने चैनल की कवर जो ऐड करना है, यानी चैनल आर्ट जो आपने ऐड करना है, ऐड चैनल आर्ट पे प्रेस करने के बाद आपने अपने चैनल का चैनल आर्ट भी प्रेस कर लेना है। तो उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, अगर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, वीडियो यहाँ पे अपलोड कैसे करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपने अपने चैनल को वेरीफाई कैसे करवाना है ताकि आप जो है अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर सके। उससे पहले आप अपने चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, अगर कर भी सकते हैं तो वो 5 मिनट से लेस की होगी, 5 मिनट से ज़्यादा की नहीं। अगर आप अपलोड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके वीडियोस पे व्यूज़ भी आए, तो उसके लिए आपने एक सेटिंग करनी है, आपके अपने चैनल को वेरीफाई करवाना है। यहाँ सबसे ऊपर आपको जहाँ आपके चैनल का लोगो मिलता है यहाँ आपने इस पर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ आपको क्रिएटर स्टूडियो का ऑप्शन मिलता है, ये देखिएगा यहाँ आपको क्रिएटर स्टूडियो का ऑप्शन मिलता है, आपने यहाँ क्रिएटर स्टूडियो पर प्रेस करना है। जैसे ही आप क्रिएटर स्टूडियो पर प्रेस करते हैं आपके सामने यहाँ पे यूट्यूब का स्टूडियो बीटा आ जाता है आपके सामने, जो नया यूट्यूब का स्टूडियो है अब आपको नेक्स्ट यही देखने को मिलेगा। तो उसके बाद आपको मैं बताता हूँ आपने अपने चैनल को वेरीफाई कैसे करवाना है। यहाँ पे आपका आ चुका है, यहाँ आपने गोटिट पर प्रेस करना है,
गॉट इट पे प्रेस करने के बाद यहाँ आपके सामने इस तरह का डिस्प्ले आएगा। यहाँ से आपने अपनी वीडियोस अपलोड करनी है, जो अपलोडेड वीडियोस होगी आपकी यहाँ सबसे आगे यहाँ आपको शो होगी। उसके बाद जो न्यूज़ वगैरह है, उसके बाद यहाँ पे आपको डेटा शो होगा आपके 28 दिन का डेटा कि आपने ये वीडियो अपलोड कर रखी है और इस वीडियो पे आपको पिछले 28 दिन में कितने व्यूज़ वगैरह मिले हैं यहाँ पे आपको शो होगा। न्यूज़ आपको यहाँ शो होगी, आपकी अपलोडेड वीडियोज़ यहाँ पे शो होगी, लास्ट अपलोडेड वीडियोज़। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ अपने आपने अपने चैनल को वेरीफाई कैसे करवाना है। यहाँ आपने स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे नीचे ये जो आपको ऑप्शन मिल रहा है आपने इस पर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ स्किप के ऑप्शन पर प्रेस करना है। तो गाइस स्किप पे प्रेस करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक डिस्प्ले आ जाएगा। अब आपने अपने चैनल को वेरीफाई कैसे करवाना है, यहाँ आपको चैनल का ऑप्शन मिलेगा, आपने चैनल पे करना है प्रेस। चैनल पे प्रेस करने के बाद आपके सामने एक इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर आपको आपका चैनल मिलेगा और वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, आपने वेरीफाई पे प्रेस करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे प्रेस करते हैं आपके सामने इस तरह के से एक डिस्प्ले आ जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है और यहाँ टेस्ट मैसेज पे प्रेस कर देना है। देन आपने यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड करना है, देन सबमिट पे प्रेस करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ एंटर करके ओके पे प्रेस कर देना है। तो एक चैनल पे एक ही नंबर ऐड कर सकते हैं, मेरे पास इतने नंबर नहीं इसलिए मैं ज़्यादा नंबर ऐड नहीं कर सकता। तो आपने इस तरह से अपने चैनल को वेरीफाई करवा लेना है। तो गाइस जैसा कि आपने गूगल का अकाउंट बनाना भी सीख लिया, यूट्यूब का चैनल भी आपने बना लिया, उसके बाद अब आप वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर अपने मोबाइल फोन को यूज करते हुए वो सीख लेते हैं। तो गाइस आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल में यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सबसे ऊपर आपको सर्च बार के साथ यहाँ पे एक अपलोड का आइकन दिखाई देगा। आपने क्या करना है, आपने इस आइकन पे प्रेस कर देना है। इस आइकन पे प्रेस करने के बाद यहाँ आपके सामने आपकी वीडियोस आ चुकी है जो आप अपलोड करना चाहते हो, आपकी गैलरी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। आपने क्या करना है, यहाँ से उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जो आप अपलोड करना चाहो। तो गाइस यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ आपने अपना टाइटल जो आपने कॉपी कर रखा है वो पेस्ट कर देना है। अगर कॉपी नहीं करा तो आपने अपने हाथ से यहाँ पे टाइप करके लिख देना है। ओके गाइस, देन आपने यहाँ प्राइवेसी पे आना है। प्राइवेसी पे आने के बाद यहाँ पे आपने वीडियो को पब्लिक नहीं करना, वीडियो को आपने अनलिस्टेड पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे प्रेस कर देना सबसे ऊपर, और यहाँ पे आपकी वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने यहाँ से एक ऐप इंस्टॉल कर लेना अपने मोबाइल में, जिसकी आपको फ्यूचर में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह अपलोड करना चाहते हो। ओके गाइज, यहाँ पे गाइज आपने YT स्टूडियो, ये देखिए यूट्यूब स्टूडियो के नेम से एक ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, इस ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आप जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपने उस पर प्रेस करना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे ऊपर आपको ये ब्लूटूथ के साथ एडिट का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपने इस पर प्रेस करना है। यहाँ प्रेस करने के बाद अगर आप कोई थंबनेल वगैरह इस पर लगाना चाहते हो, कस्टम लगाना चाहते हो, तो कस्टम पे प्रेस करके गैलरी से लगा लेना है। अगर कस्टम नहीं लगाना चाहते, वीडियो के अंदर से लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको वीडियो के अंदर से चार ऑप्शन मिलेंगे, आपको उनमें से किसी एक को आपने सेलेक्ट करके लगा लेना है। ओके गाइस, देन आपने सेलेक्ट पे प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने आ जाना डिस्क्रिप्शन पे। यहाँ पे आने के बाद आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह टाइप करनी है, अगर आप करना चाहो, मैंने कॉपी कर रखी है तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके गाइस, उसके बाद आपने यहाँ पे टैग वगैरह जो कॉपी कर रखे हैं वो आपने पेस्ट कर देना है। अगर कॉपी नहीं कर रखे तो आपने यहाँ पे वो लिख देना है जैसे आप लिखना चाहो, कोमा लगा के, हर टैग के साथ आपने कोमा यूज़ करना है। ओके गाइस, उसके बाद यहाँ पे आपको अनलिस्टेड का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपने अनलिस्टेड पर प्रेस करना है। यहाँ आपके सामने पब्लिक आ चुका है, पब्लिक पर प्रेस कर देना है तो आपकी वीडियो यहाँ पे पब्लिक हो जाएगी। उसके बाद एडवांस सेटिंग में आ जाना है, यहाँ पे आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जो आपकी वीडियो की कैटेगरी है। मेरी वीडियो की कैटेगरी इंटरटेनमेंट है तो मैं इसे वही सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपने लाइसेंस जो है ऐसे ही रहने देना स्टैंडर्ड। उसके बाद आपने अगर बच्चों की वीडियोज नहीं है, यानी कि कोई कार्टून वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे आपने नो कर देना। ये देखिए यहाँ पे आपको ऑडियंस की प्राइवेसी देखने को मिलती है, यहाँ पे आपने नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स कर देना है। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, वो मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा क्या बेनिफिट है।
तो यहाँ पे आने के बाद आपने ये देखिए, यहाँ पे सबसे नीचे आपको डिलीट वीडियो मिलता है। अगर आप वीडियो को डिलीट करना चाहे, वीडियो आपकी अच्छी नहीं अपलोड हुई, तो डिलीट भी यहाँ से कर सकते हो। ओके गाइस, यहाँ पे आने के बाद आपने सबसे ऊपर सेव का बटन आपको देखने को मिलता है, सेव पे प्रेस करना है, तो आपकी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट अपलोड हो चुकी है यूट्यूब के ऊपर। ये देखिए, अब आपकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, यहाँ भी आपको अपलोड देखने को मिलती है। अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर पब्लिक हो चुकी है। तो गाइस, आपने गूगल का अकाउंट बनाना सीख लिया, यूट्यूब का चैनल बना लिया, उसके बाद वीडियो भी अपलोड कर ली। अब अगर आपने गलती से कोई वीडियो अपलोड कर दी है जिसे आप डिलीट करना चाहते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे उसे डिलीट कर सकते हो। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ जिन्हें यूज़ करके आप अपनी यूट्यूब की वीडियो को डिलीट कर सकते हो ईजिली। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आपने क्या करना है, पहला जो तरीका है वो मैं आपको गूगल क्रोम से बताऊँगा, आप गूगल क्रोम को यूज़ करते हुए कैसे अपनी YouTube की वीडियो को डिलीट कर सकते हो। दूसरा जो है वो बहुत इजी है, वो मैं आपको आराम से बताता हूँ बाद में। पहले ये मुश्किल वाले को कर ले। आपने क्या करना है, क्रोम पे आ जाना है, यहाँ YouTube को यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो ये देखिएगा, इस तरह से आपके पास इस पे YouTube की ऐप ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ सबसे ऊपर आपको थ्री डॉट्स देखने को मिलते हैं, थ्री डॉट्स पे आपने प्रेस करना है। यहाँ डेस्कटॉप साइट आपको देखने को मिलती है, यहाँ आपने डेस्कटॉप साइट पे प्रेस करना है। यहाँ डेस्कटॉप साइट पे आने के बाद यहाँ देखिए गाइस, सबसे ऊपर ये देखिए, यहाँ पे आपको अपने चैनल का लोगो देखने को मिलता है। आपने इस पर प्रेस करना है और यहाँ पे आपके सामने काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ यूट्यूब स्टूडियो आपको देखने को मिलता है पेड मेंबरशिप के नीचे। यहाँ यूट्यूब स्टूडियो पे आपने प्रेस करना है तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, नई स्क्रीन आ जाएगी, ये देखिए इस तरह से। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ इसे जूम कर लेना है और यहाँ देखिए सबसे ऊपर आपको थर्ड वाला ऑप्शन मिलता है, लोगों के नीचे दूसरे वाला ऑप्शन है ये वीडियोस का। आपने इस वीडियो के आइकन पे प्रेस करना है, ये देखिए आपकी वीडियो यहाँ पे आ चुकी है। अब आपने किसी भी एक वीडियो को डिलीट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपने जिस वाली वीडियो को यहाँ से रिमूव करना है, इस वीडियो पर यहाँ पर आपने टिक प्रेस कर देंगे, जो बॉक्स आपको ये देखने को मिलता है, ये देखिए यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ आपने एक टिक काट देना है। ओके गाइस, टिक करने के बाद ये देखिए यहाँ आपके सामने ऊपर ऑप्शन आ चुके हैं। अब आपने यहाँ मोर एक्शन पर प्रेस करना है और यहाँ देखिएगा, यहाँ आपके पास एक डाउनलोड का ऑप्शन है, एक डिलीट फॉरएवर। इस वीडियो को आपने डिलीट फॉरएवर पर प्रेस करके डिलीट कर देना है। जैसे ही आप डिलीट फॉरएवर पर प्रेस करते हो, आपकी वीडियो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ये पहला वे था, अब मैं आपको दूसरा वे बता देता हूँ। आपने प्ले स्टोर से क्रिएटर स्टूडियो ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखिए, आपने आ जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपने यहाँ टाइप करना है यूट्यूब स्टूडियो। आपने यूट्यूब स्टूडियो टाइप कर रहे हैं, ये ऐप आपके सामने आ चुकी है, आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो आपका चैनल यहाँ पे आ जाएगा, आपने लॉगिन कर रखना है यूट्यूब पे, अपने आप यहाँ भी आ जाएगा। ओके गाइस, यहाँ आपके सामने आपकी वीडियो तो आ चुकी है। ये देखिए, अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलती जिसको आप रिमूव करना चाहते हो, यहाँ आपने सबसे नीचे व्यू मोड देखने को मिलता है, व्यू मोड पे प्रेस करना है। ये देखिए, आपकी सभी वीडियोस आ जाएगी, जितनी भी आपकी वीडियोस होगी यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, पूरी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ जिस वाली वीडियो को आप रिमूव करना चाहते हो, उस वीडियो को यहाँ से ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको ब्लूटूथ के साथ ये देखिएगा एडिट का ऑप्शन देखने को मिलता है, पेंसिल बनी है, आपने इस पेंसिल पर प्रेस करना है। आपने ये पेंसिल पर प्रेस किया गया, यहाँ पर आपके सामने वीडियो की सारी डिस्क्रिप्शन टैग वगैरह आ चुके हैं। यहाँ एडवांस सेटिंग है सबसे ऊपर, इस पर प्रेस करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ आपको देखने को मिलता है डिलीट फ्रॉम यूट्यूब। अगर आप यहाँ पे प्रेस करते हो, आपकी वीडियो यहाँ से डिलीट हो जाएगी, पूरी यूट्यूब से डिलीट हो जाएगी। इस तरह से आपने अपनी यूट्यूब वीडियो को डिलीट करना है। तो गाइस, आपने वीडियो को डिलीट करना भी सीख लिया है। अब देखते हैं कि आपने किसी भी वीडियो का थंबनेल जो होता है आपको डिस्प्ले में नज़र आता है, वो आपने थंबनेल अपने मोबाइल फोन को यूज़ करते हुए कैसे बनाना है, कैसे एडिट करना है। तो चलिए वीडियो पर चलते हैं। तो गाइस, इस तरह का HD थंबनेल बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने पिक्सेल ऐप ऐप को इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में। प्ले स्टोर पे ये ऐप आपको फ्री में मिल जाएगा, वहाँ से आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने जो प्रीव्यू आएगा वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिएगा, इस तरह का जब आप इसे इंस्टॉल करेगा आपके पास प्रीव्यू आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ सबसे ऊपर थ्री डॉट्स पर आपने प्रेस करना है। यहाँ प्रेस करने के बाद ये देखिएगा, यहाँ पर आपके पास यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी आ रहा है और इमेज साइज आ रहा है। ये देखिए, आपने क्या करना है, आपने इमेज साइज पे प्रेस करना है और यहाँ आपके थंबनेल का जो साइज होता है, विड्थ होती है 1280, हाइट होती है इसकी 720। ओके गाइस,
आपने क्या करना है, आपने 720 दूसरे वाले पे यहाँ टाइप करना है, डन पे प्रेस करना है और ओके पे प्रेस कर देना है। ठीक है गाइस, ये आपका थंबनेल का साइज आ चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ 3 डॉट पे प्रेस करना है, यूज इमेज फ्रॉम गैलरी। तो ये देखिए गाइस, मैंने पिक्चर यहाँ पे ऐड कर ली। अब आपने पिक्चर का वो वाला पार्ट यहाँ पे ऐड कर लेना है, इसे क्रॉप कर लेना है जितना आप पार्ट ऐड करना चाहते हो। मैं इतना ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इतना साइज इसका एडजस्ट कर लूँगा। ये देखिए, आप जितना करना चाहे आप उतना यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस, यहाँ पे करने के बाद यहाँ नीचे टिक के ऑप्शन पे आपने प्रेस करना है, तो ये आपका पार्ट ऐड हो चुका है। अब आपने क्या करना है, देखिए आपको ये टेस्ट का ऑप्शन जो देखने को मिलता है, अब आपने इसे कैसे एडिट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपने इसे पकड़ के इसका साइज़ अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकते हो। यहाँ आपने आ जाना है, ए का बटन आपको नीचे मिल जाएगा। ये देखिए साइड पे आपको ए का बटन मिलता है, यहाँ एडिट के ऑप्शन पे आपने आ जाना है। यहाँ आने के बाद जो आप लिखना चाहते हो वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है, अपनी वीडियो का टाइटल जो आप थंबनेल पे देना चाहते हो। ये देखिए, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ हाउ टू क्रिएट, यहाँ पे इतना लिख लिया, ओके कर दिया गाइस। यहाँ लिखने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया, ये देखिए यहाँ पे आपको फॉन्ट की सेटिंग भी देखने को मिलती है। देखिए फॉन्ट पे आ गए, जो फॉन्ट आपको यहाँ पे अच्छा लगे आपने उसे ऐड कर लेना। मैं यहाँ पे ये वाला ऐड करूँगा, अब यहाँ पे ये वाला ऐड करूँगा मैं, देन ओके पे प्रेस कर दूंगा। ये देखिए ये वाला फॉन्ट आ चुका है। थोड़ा सा अगेन से स्क्रॉल डाउन किया, ये देखिए बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। बैकग्राउंड पर प्रेस किया, एनेबल पर किया, उसके बाद यहाँ पर कलर पर आ गए। कलर पे आने के बाद ये देखिएगा, यहाँ पे आप जो कलर यहाँ पे ऐड करना चाहो वो कलर आपने ऐड कर लेना, जितना इसका साइज़ आप रखना चाहो। ये देखिए जितना इसका साइज़ रखना चाहो वो आपने रख लेना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है इसका, अगर बैकग्राउंड का साइज़ भी बढ़ाना चाहो इसका राइट से भी बढ़ा सकते हो, लेफ़्ट से बढ़ाना चाहो लेफ़्ट से भी यहाँ इसका साइज़ बढ़ा सकते हो। ओके गाइस, जितना आपको ठीक लगे आपने उतना रख लेना है। ओके गाइस, यहाँ पे ऊपर वाला भी बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, नीचे वाला भी बढ़ाना चाहो तो इसका साइज आप बढ़ा सकते हो। ठीक है गाइज, इतना आपने जितना रखना है ओके करके देन ऊपर टिक पे प्रेस कर देना है, और इसको अगर आप इस तरह से रोटेट करना चाहो तो आपने इसे रोटेट भी कर लेना है जिस तरह से आप करना चाहो। ठीक है गाइज, यहाँ पे हमने इसे रख लिया, इसका साइज जितना आपको समझ में आए, जितना आपको अच्छा लगे देखने में उतना आपने सेट कर लेना है। ठीक है गाइज, यहाँ आपने अगेन एड टेस्ट पर प्रेस किया, एक और टेस्ट आपके पास आ गया, इसका साइज आपने बढ़ा लिया। यहाँ एडिट पे प्रेस किया, यहाँ जो आप इसका नेम रखना चाहो वो रख सकते हो। यहाँ मैं नीचे लिखना चाहता हूँ थंबनेल, इस तरह से आप जो लिखना चाहो यहाँ पे टेस्ट एडिट कर सकते हो। डन पे प्रेस किया, ओके पे प्रेस किया, यहाँ पे आ गए गाइस। यहाँ आने के बाद आपने चले जाना है यहाँ फ़ोन के ऊपर, यहाँ फ़ोन का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। आपने फ़ोन पर आ गए, जो फ़ोन आप इसका रखना चाहो वो रख के ओके पे प्रेस कर दिया। देन बैकग्राउंड पे आ गए, यहाँ इसे एनेबल कर दिया, जो इसका कलर आप यहाँ पे सेट करना चाहो वो कलर यहाँ पे सेट कर लिया। ठीक है गाइज, मैंने ये वाला कलर सेट करना है तो मैं ये वाला कलर यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ओके गाइज, यहाँ सेट करने के बाद यहाँ इसकी साइडें जो है अगर आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, कम करना चाहो तो कम भी कर सकते हो। ठीक है गाइज, यहाँ इतना काम आपने कर लिया, उसके बाद अगर इसका ऊपर से भी बढ़ाना चाहो तो वो भी बढ़ा सकते हो, नीचे से करना चाहो वो भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है। देन आपने क्या करना है, गाइस इसका मजीद साइज बढ़ाना चाहो तो वो भी आप बढ़ा सकते हो, इसको आप रोटेट करना चाहो यहाँ सेंटर से पकड़ के नीचे से इसे रोटेट भी कर सकते हो। ओके गाइस, यहाँ पे आपने इसे सेट कर लेना। ये देखिए आपका थंबनेल यहाँ पे रेडी हो चुका है। अगर इसके अलावा जैसे मैंने क्वेश्चन मार्क ऐड करा है आप भी करना चाहते हो तो यहाँ पे वो भी आप ऐड कर सकते हो, या जो कुछ भी आप ऐड करना चाहो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके किया और यहाँ पे इसे ऐड कर दिया। ओके गाइस, इसे भी आप अगर रोटेट करना चाहो तो आप इसे रोटेट भी कर सकते हो। इसका कलर जो मैंने इसे 3D दिया था, यहाँ नीचे आ जाए, स्क्रॉल डाउन किया, 3D पे प्रेस किया तो ये इसका कलर आपको 3D में देखने को मिल जाता है। ओके गाइस, एनेबल पे प्रेस किया, ये देखिए आपका ये 3D में आ चुका है। अगर इसका आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे आके इसका कलर वगैरह भी आप इजीली जो है चेंज कर सकते हो। ठीक है गाइस, ये देखिए मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया, यहाँ पे आ चुका है। उसके अलावा जो मैंने 3D टेस्ट एक लिखा था यहाँ पे आपके सामने, वो भी आप लिखना चाहो तो वो भी आप यहाँ ऐड पे प्रेस करके यहाँ आ जाइए। और यहाँ आने के बाद आपने क्या करना है, इसका साइज़ बढ़ा लिया आपने, साइज़ बढ़ाने के बाद एडिट पे गए, यहाँ पे
मेक एचडी मैंने लिखा था, तो आप भी लिखना चाहो इस तरह का कुछ भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। यहाँ लिखने के बाद आपने डन पे करना है, ओके पे करना है। इसे यहाँ पे रोटेट करना चाहो तो रोटेट आपने कर लेना है। इसका साइज कम करना चाहो तो साइज भी आपने कम कर लेना है। ओके गाइस, यहाँ पे आगे आपने जाना है इसके फॉन्ट पे। फॉन्ट इसका अगर आप चेंज करना चाहो तो कर लो, जो भी इसका फॉन्ट आप रखना चाहो वो रख लो। ओके ओके पे प्रेस किया, बैकग्राउंड पे आ गए। बैकग्राउंड पे जाने के बाद एनेबल्ड कर दिया, और इसकी बैकग्राउंड आप जो रखना चाहो वो आप यहाँ पे इसकी ये बैकग्राउंड को सेट कर लो। मैं इसकी बैकग्राउंड ब्लैक रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ब्लैक पे प्रेस करता हूँ। देन इसका जो साइड वगैरह है उसका साइज़ बनाना चाहता हूँ तो वो भी मैं बढ़ा लेता हूँ। आप अगर बनाना चाहो तो आप भी बढ़ा सकते हो। ओके गाइज, इतना काम करने के बाद आपने क्या करना है, स्क्रोल डाउन करना है 3D पे आगे। 3D करना चाहो तो आप इसे एनेबल पे प्रेस करके 3D भी कर सकते हो। ठीक है गाइज, 3D करने के बाद इसका कलर भी चेंज करना चाहो तो आप कलर वगैरह भी इसका चेंज कर सकते हो। इसका देखिए 3D जो शेप वाला कलर आपको देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओके पे प्रेस किए, देखिए आपका थंबनेल जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इसे आपने सेव कैसे करना है, सबसे ऊपर ये ब्लूटूथ के साथ प्लस के साथ जो सेंटर में आपको बटन देखने को मिलता है इस पर आपने प्रेस किया, यहाँ पे सेव एज इमेज आ चुका है। सेव एज इमेज पे प्रेस किया, इसकी रेजोल्यूशन आपने 1280x700 यहाँ पे रख लेनी है। देन आपने सेव टू गैलरी पे प्रेस करना है। तो देखिए गाइस, आपकी ये थंबनेल जो है सेव हो चुका है आपके मोबाइल फ़ोन। तो गाइस, जैसा कि आपने देख लिया कि आप YouTube की वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बना सकते हो, इसके बाद हम चलते हैं आप अपने YouTube के सब्सक्राइबर्स वगैरह को हाइड कैसे कर सकते हो शुरू में। जैसा कि आपको पता है, अगर शुरू में आप सब्सक्राइबर्स वगैरह शो करवाते हो अपनी ऑडियंस को तो वो आपके चैनल को मजीद सब्सक्राइब नहीं करेगा। उन्हें लगेगा ये अभी नया बंदा है, इसे क्या आता होगा, यूट्यूब पर यह क्या अपलोड करेगा, तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए आप अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स वगैरह को हाइड कर ले ताकि किसी को पता ना हो इसके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए अब सीख लेते हैं कैसे सब्सक्राइबर्स वगैरह को हाइड करना है। आपने आ जाना है क्रोम ब्राउज़र पे। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद आपने यहाँ पे यूट्यूब को ओपन कर लेना अपनी क्रोम ब्राउज़र पे। क्रोम ब्राउज़र पे यूट्यूब को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट्स ऊपर देखने को मिलते हैं। आपने यहाँ 3 डॉट्स पर प्रेस करना है, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करना है। यहाँ पे आपको यहाँ डेस्कटॉप साइट देखने को मिलता है, आपने यहाँ इस पर टिक कर देना है। इसे टिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से डिस्प्ले आपको एक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपने अब क्या करना है, तो गाइस यहाँ पे आने के बाद आपने इसे थोड़ा सा जूम करना है, और यहाँ सबसे ऊपर आपको ये जो अपने यूट्यूब चैनल का लोगो देखने को मिलता है आपने इस पर प्रेस करना है। इस पर प्रेस करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा, आपने यहाँ YouTube स्टूडियो पर प्रेस कर देना है 3rd वाले पे। जैसे ही आप 3rd वाले पे प्रेस करते हो तो आपके सामने एक न्यू डिस्प्ले आ जाएगा, YouTube का स्टूडियो आपके सामने आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस जैसे ही आपके सामने यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है YouTube का स्टूडियो, आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ आपने थोड़ा सा जूम कर लेना है। यहाँ सबसे नीचे आपको एक सेटिंग का बटन देखने को मिल जाता है, ये देखिए यहाँ पे आपको ये सेटिंग का बटन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपने सेटिंग के बटन पे प्रेस करना है। यहाँ प्रेस करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा इस तरह से। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ अगेन जनरल के नीचे आपको चैनल का ऑप्शन मिलता है, आपने यहाँ चैनल के ऑप्शन पर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरफ यहाँ पर बेसिक इन्फो देखने को मिलता है। बेसिक इन्फो के साथ ही आपको एडवांस सेटिंग देखने को मिलता है, आपने एडवांस सेटिंग पे प्रेस करना है और इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि सब्सक्राइबर काउंट। यहाँ आपके सामने यहाँ टिक लगा होगा, अगर आप शो करवाना चाहते हो तो इसे टिक ही लगा रहने दो। अगर आप इसे हाइड करना चाहते हो, जैसा कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाला है, अगर आप इसे हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपने इस टिक को अनमार्क कर देना है। जैसे ही आप इसे अनटिक करते हो तो आपके सब्सक्राइबर जो है किसी को भी शो नहीं होंगे आपके अलावा, सिर्फ आपको ही शो होंगे। अगर आप उस आईडी से लॉगिन करके यूट्यूब पे अपने सब्सक्राइबर देखोगे तो आपको शो होंगे, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा आपके यूट्यूब के सब्सक्राइबर चेक करता है तो उसे वो सब्सक्राइबर शो नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ सेव के बटन पर प्रेस कर देना है, तो यहाँ पर आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी और आपके सब्सक्राइबर्स किसी को भी शो नहीं होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपने गूगल का अकाउंट बनाना सीखा, यूट्यूब का चैनल बनाना सीखा, उसके बाद कैसे वीडियो को अपलोड करते हैं, कैसे वीडियो को डिलीट करते हैं, और कैसे वीडियो के थंबनेल वगैरह बनाते हैं अपने एंड्रॉइड फ़ोन को यूज़ करते हुए, उसके बाद कैसे अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स वगैरह को हाइड करते हैं।
इस एक वीडियो में आपने इतना पार्ट सीख लिया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के बता दूंगा आप कैसे YouTube की वीडियो को वायरल करवा सकते हैं, उसके ऊपर व्यूज वगैरह गेन कर सकते हैं, कैसे YouTube की वीडियो की SEO वगैरह कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मुलाकात होती है किसी अगली वीडियो में। कमेंट करके बता देना अगली वीडियो चाहते हो तो। शुक्रिया गाइस, अल्लाह हाफिज़।